दोस्तों वानखेड़े के मैदान पर दो दिनों में ही भारत के सामने घुटने टेक गई न्यूजीलैंड। अश्विन जडेजा के कहर से दूसरे ही दिन जीता भारत। तो टीम इंडिया का यह लाजवाब प्रदर्शन देखकर तो पूरी दुनिया में बवाल मच चुका है। यहां तक कि बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। और अब शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक ने भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर दिलों को छू लेने वाला बयान दिया। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने जो कहा, सुने बिना कहीं भी मत जाइएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है इन पाक दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी जडेजा और सुंदर को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम घमंड में चूर होकर वानखेड़े के मैदान में आई थी। उन्हें लगा था कि वह तीसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया को धूल चटा देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह मैदान कप्तान रोहित का अभेद किला है, जिसे जीत पाना उनके बस की बात नहीं। और दो दिनों में ही न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अब भारत के सामने मुंह की खाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन ही बैटिंग करने का फैसला कीवी टीम पर भारी पड़ा, जब सुंदर और जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी की पूरी न्यूजीलैंड केवल 235 रनों पर एक घुटने टेक गई। तो जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने लाजवाब काम किया। भले ही टॉप ऑर्डर फ्लैप रहा, लेकिन फिर गिल ने 90 तो पंत ने तूफानी 60 रन ठोक डाले। अंत में सुंदर ने 36 गेंद में 38 रनों का योगदान दिया, जिसकी बदौलत भारतीय बल्लेबाजों ने 363 रन बनाकर न्यूजीलैंड पर 28 रनों की लीड बनाई। तो फिर जब अपनी तीसरी पारी में न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने उतरी, तब एक बार फिर हमारे स्पिन के सुरमा न्यूजीलैंड पर यमराज बनकर टूट पड़े। केवल 155 रनों के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड के 8 बल्लेबाजों को पवेलियन चलता कर दिया था। हालत तो यह थी कि न्यूजीलैंड 150 रनों का टारगेट भी टीम इंडिया को नहीं दे पा रही थी, और ऐसा ही लग रहा था कि दो दिनों में ही न्यूजीलैंड टीम इंडिया के सामने हार जाएगी। जडेजा अश्विन के तूफान के आगे कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। अश्विन ने 3 तो जडेजा ने भी 3 विकेट लिए। तभी तो टीम इंडिया का यह कातिलाना प्रदर्शन देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहां तक कि पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जो कल तक हंस रहे थे, आज उनके मुंह से तारीफों के फूल बरस रहे हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि माशा अल्लाह, यही टीम इंडिया की असली ताकत है, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। जब भी भारत के स्पिन गेंदबाज अच्छा करेंगे, तब तब इंडियन टीम इंडिया में जीतेगी, यह सच्चाई है। जडेजा सुंदर ने पहली पारी में कमाल कर दिखाया। दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया। स्पिन आक्रमण उनकी सबसे बड़ी ताकत, और मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम ने तो यह तक कह दिया कि मैं उदास था जब टीम इंडिया 2-0 से हार गई थी, क्योंकि वह चैंपियन टीम है। लेकिन अब भारत ने बता दिया कि क्यों वह दुनिया की नंबर 1 टेस्ट साइड मानी जाती है। आप भारत को इतनी आसानी से हरा नहीं सकते हैं। हां, भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं, लेकिन गेंदबाज, वाह, दुनिया का नंबर 1 गेंदबाजी डिपार्टमेंट भारत के पास है। अश्विन, जडेजा और सुंदर, यदि यह चल जाए तो कौन ही जीत सकता है। और इस मैच में यह तीनों गेंदबाज चले वेल्डन इंडियन टीम। तो वही इंजमाम उल हक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत का भारत में सीरीज हारना बड़ा झटका था। हम सब उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और टीम इंडिया ने वापसी कर ली है। अब वह बदला लेने की फिराक में है, न्यूजीलैंड तो यहां हार जाएगी। और अब तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराएगी और फिर इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीतेगी। न्यूजीलैंड ने भारत से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है। तो वहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने भी जाते जाते कह दिया कि न्यूजीलैंड ने अच्छी लड़ाई की, उन्होंने पहली बार भारत में सीरीज जीती, जो ऐतिहासिक पल था, लेकिन टीम इंडिया को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने गलती कर दी और भारतीय क्रिकेट टीम अब आसानी से यह टेस्ट मैच जीतने वाली है। यही तो भारत की ताकत है। न्यूजीलैंड का इस बार तुक्का लग गया, तभी वह टेस्ट सीरीज जीते हैं, वरना भारत तो कभी किसी को जीतने भी नहीं देता। तो दोस्तों, अब इन सब के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत पाएगी?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन घुटने पर टेकने पर कर दिया मजबूर। जडेजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच से अधिक विकेट लेकर तोड़ दी टीम की कमर, जिसे देखकर केवल पूरा हिंदुस्तान ही नहीं खुशी से झूम उठा बल्कि दुनिया भर के दिग्गज भी इन दोनों गेंदबाजों की तारीफ करते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो आखिर किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ दिया बयान, कैसे जडेजा और सुंदर के तूफान में उड़ गए कीवी बल्लेबाज, दिग्गजों ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज किस इरादे से उतरने वाले हैं, क्योंकि यह मुकाबला टीम इंडिया को जीतना बेहद जरूरी था और पलटवार करना भारतीय टीम को बखूबी आता है और वही हुआ। भारतीय टीम को पहली सफलता तो आकाशदीप ने दिलाई लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया, जिसे देखकर बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान रह गए। आपको बता दें इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की मैच में वापसी करा दी। रविंद्र जडेजा की फिरकी के आगे विलियम से लेकर टॉम ब्लेंडल यहां तक कि ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी के साथ साथ इस सोडी भी मैदान पर टिक नहीं सके। पूरी टीम इन दोनों फिरकी गेंदबाजों के आगे घुटने पर टेक बैठी। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी चार विकेट अपने नाम किए लेकिन पूरे क्रिकेट जगत में रविंद्र जडेजा का डंका बजने लगा। हर कोई इस गेंदबाज को देखकर हैरान हो गया और हो भी क्यों ना, वानखेड़े के मैदान पर जडेजा ने एक बार फिर बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम पूरी 65.4 ओवर में ही 235 रनों पर सिमट गई। गेंदबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया, हर तरफ इस खिलाड़ी की तारीफ होने लगी, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। इतना ही नहीं दुनिया भर के दिग्गज भी रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए और फिर जडेजा के साथ साथ वाशिंगटन सुंदर के लिए तारीफ करते हुए दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया। तो चलिए अब हम आपके इंटरव्यू दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। इंटरव्यू देते हुए रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, गेंदबाज रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी होगी, इस गेंदबाज ने हमारी टीम को खूब परेशान किया और हमारे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैं इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हूँ, पांच विकेट लेना आसान नहीं होता है लेकिन जडेजा ने कर दिखाया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साथ ही वाशिंगटन सुंदर ने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया, ये दोनों स्पिनर हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, अब हमारी टीम को दोनों गेंदबाजों से बचकर रहना होगा। मुझे पूरा भरोसा हमारी टीम जरूर वापसी करेगी। साथ ही साथ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए कहा है, वाह आज मैं जडेजा और सुंदर के प्रदर्शन से काफी खुश हूं, जितनी भी तारीफ करूं इन दोनों गेंदबाजों की कम है, जबरदस्त खेल देखने को मिला। पांच विकेट लेना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता लेकिन रविंद्र जडेजा ने कर दिखाया, मुझे इन दोनों खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा था, ये खिलाड़ी टीम को मुंबई के मैदान पर जीत दिला सकते हैं क्योंकि वहीं का मैदान बिल्कुल भी अलग है, वहां स्पिनरों को काफी मदद मिलती है और मैच में वही देखने को मिला, मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है ये मैच हम जरूर जीतेंगे। वहीं शोएब अख्तर ने भी रविंद्र जडेजा और सुंदर की तारीफ में कहा कि क्या शानदार टेस्ट मैच देखने को मिला, दो गेंदबाज ने मिलकर न्यूजीलैंड टीम को ध्वस्त कर दिया, जबरदस्त प्रदर्शन टीम इंडिया ने दिखाया, रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी होगी, इस गेंदबाज ने अकेले न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। जडेजा इस उम्र में भी विकेट ले रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में है इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है। वैसे भी जडेजा और सुंदर मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं, आज का खेल देखकर मजा आया। रिकी पोंटिंग ने भी बयान देते हुए कहा कि जडेजा ने जबरदस्त खेल दिखाया, वाशिंगटन ने मैच को खत्म कर दिया, ये देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं, जितनी भी तारीफ की जाए इन दोनों गेंदबाजों की कम है, भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया ये मुकाबला जरूर जीतने वाली है, जिस तरह से उनके खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं होनी भी चाहिए, टेस्ट मैच में हार का बदला लेना होगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज भी रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी के मुरीद हो गए और तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक
जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम टेस्ट के लिए बदल गई भारतीय टीम की सलामी जोड़ी। रोहित शर्मा की जगह पर इस दिग्गज खिलाड़ी को मिला ओपनिंग करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच के लिए भारतीय टीम की सलामी जोड़ी अब पर आ चुकी है। इस बीच रोहित शर्मा की जगह पर एक ऐसे खिलाड़ी को ओपनिंग करने का मौका दे दिया गया है जिसका नाम सुनकर विरोधी टीम के गेंदबाज भी थर थर कांपने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आखिरकार तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की सलामी जोड़ी क्या रहने वाली है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी टीम के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज फिलहाल टेस्ट फॉर्मेट में कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसके पहले दो मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच भारतीय टीम ने पहले मैच में बेंगलुरु के मैदान पर 8 विकेट से हार का सामना किया और इसके बाद पुणे के मैदान पर भारतीय टीम ने 113 रन से हार का सामना किया, जिसके चलते अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाने वाला है।